साथियों नमस्कार, गोरखपुर समाचार में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं गोरखपुर समाचार और आज हमारी लोकेशन है कलेक्ट्रेट दीवानी कचहरी के बार एसोसिएशन का जो चुनाव हो रहा है सिविल कोर्ट गोरखपुर का, उससे कहीं न कहीं जो लगातार लोगों का जुनून इस तरह से मतदान में होता है, लोकसभा विधानसभा के चुनाव होते हैं 5 साल में, उसी तरह से जो यह सिविल कोर्ट है गोरखपुर बार एसोसिएशन का चुनाव प्रत्येक वर्ष होता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष मंत्री प्रकाशन मंत्री और तमाम तरह के जो छोटे छोटे पोस्ट होते हैं उसके लिए प्रत्याशी अपना भाग्य जमाते हैं। और लगातार आज बताना चाहूँगा कि कई दिनों की तैयारियों के पश्चात आज यह चुनाव संपन्न कराया जा रहा है और यह केवल अधिवक्ताओं का ही मतदान यहाँ होता है, अधिवक्ता ही मतदान करते हैं और अपना अध्यक्ष चुनते हैं। लेकिन हाईकोर्ट के स्टे के बाद अध्यक्ष पद का जो मतदान होगा उसकी गिनती 26 तारीख को होगी, ऐसा विश्वास सूत्र हमारे बता रहे हैं। और देखिए, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर अधिवक्ता अपना अमूल्य मत देने के लिए लगातार चल रहा है। हमारे साथ एक वकील साहब खड़े हैं। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। किस पद के लिए आप प्रत्याशी? मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ, रवि प्रकाश शुक्ल एडवोकेट मेरा नाम है। पहले मैं मंत्री भी रह चुका हूँ 2002। अच्छा, अभी सुनने में आ रहा है विश्वास सूत्र बता रहे हैं कि अध्यक्ष पद का मतदान होगा लेकिन गिनती 26 के बाद होगी, तो क्या कारण ऐसा पड़ा कि इस मतदान की प्रक्रिया होगी लेकिन गिनती बाद में? इसमें एक रिट दाखिल है, एक ऐसे अधिवक्ता लड़ रहे हैं जिनके ऊपर तमाम मुकदमे हैं। रिट दाखिल करने वालों ने ये लिख रखा है कि चूंकि इनके ऊपर मुकदमे हैं और कंटेम्प्ट में भी ये दो सिद्ध हुए हैं और इसलिए उसमें एक आर्डर था कि जब तक कि इनके मुकदमे समाप्त ना हो जाएं तब तक ये कचहरी परिसर में न आवें, तो इस वजह से ये एक रिट के माध्यम से ये तय हुआ है कि भाई आप पहले ये साबित करिए कि आपका मुकदमा समाप्त हुआ कि नहीं। जो अगला रिट दाखिल करने वाला पक्ष है वो ये कह रहा है कि नहीं साहब, इनके मुकदमे अभी चल रहे हैं, तो इसी लिहाज से ये रिट चूँकि पेंडिंग है 26 तारीख इसमें पड़ी है, तो जज साहब ने ये आदेश किया है कि जब तक इनकी रिट क्लियर ना हो जाए उनको चुनाव लड़ने से ना रोका जाए बल्कि जो मतगणना है उसका डिक्लेरेशन न किया जाए। यदि मतगणना में डिक्लेरेशन क्लियर होता है और रिट में फैसला आता है तो आगे अगर टाइमिंग होती तो कितना दिन और लग सकता है अध्यक्ष पद का क्लियर? देखिए, जो अगर रिट खारिज होगी तो तुरंत मतगणना शुरू हो जाएगी और अगर रिट अलाउ होगी तो जिस प्रत्याशी के विरुद्ध अलाउ होगी उस प्रत्याशी को उसमें से निकाल करके बाकी 2 प्रत्याशी 4 प्रत्याशी जितने भी बचे हैं उसमें एल्डर कमेटी निर्णय लेगी। हो सकता है कि एल्डर कमेटी ये कहे कि पुनर्मतदान हो, या हो सकता है एल्डर कमेटी ये कहे कि नहीं, इन्हीं में से जो वोट पड़े हुए हैं उन्हीं में से जो प्रथम आ रहा है उसको विजयी घोषित कर दिया। एल्डर कमेटी कहीं ना कहीं एक प्रशासनिक न्यायिक रूप में अपना कार्य करेगी। आने वाले समय में एल्डर कमेटी क्या निर्णय लेती है या भविष्य के गर्त में छिपा हुआ, लेकिन वर्तमान में यह चुनाव संपन्न कराया जा रहा है, मैं दिखाने की कोशिश लगातार कर रहा हूँ। ठीक हमारे पीछे लगातार अधिवक्ता के जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं ये रत्नेश पाठक जी के समर्थक हैं और हर आदमी कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगता हुआ लगातार दिखाई दे रहा है। और बड़े मजे की बात है, देखिए ये वकील साहब हैं जो पूर्ण रूप से अपने आप को ढक रखे हैं बैनरों से कि हर आदमी की नज़र जो इनके जिनके समर्थक है रविंद्र भूषण दुबे के कोषाध्यक्ष पद के लिए हैं। देखिए उनका इन्होंने जामा पहन रखा है, तो कहा जाए तो हर तरह से लोगों को लुभाने के लिए हमारे साथ रविंद्र भूषण दुबे जी की पूरी टीम है यहाँ पे खड़ी है। संजय कुमार तिवारी जी के प्रत्याशी के समर्थक है और लगातार इस तरह से बैनरों को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बैनर पोस्टर बैनर और जो है पैम्फलेट्स हैं वह कचहरी में पूर्ण रूप से यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा आनंद आता है कि अध्यक्ष का जो गिनती होती तो एक साथ होती है, उत्साहपूर्वक गिनती होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के स्टे ने थोड़ा सा जोश और जुनून को ठंडा करने का काम किया है। गिनती के बाद गिनती तो नहीं होगी लेकिन मतदान की प्रक्रिया यथावत चलती रहेगी और मैं दिखाने की आगे ले चल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ लगातार। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है और नीचे मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से यह एक पट चुका है। स्नेहा मिश्रा जी हैं। स्नेहा जी, किस पद के लिए आप दावेदार? उपाध्यक्ष 10 वर्ष से कम।
10 वर्ष से कम। जी सर, जी। महिला सशक्तिकरण वर्ष चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चल रहा है, और आप बधाई के पात्र हैं इतनी हिम्मत के साथ ऐसे लड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये बताइए कि 10 वर्ष से कम के लिए आप कितनी दमदारी से लड़ रही हैं? और अपना अंतिम दम लगा के मैं लड़ रही हूँ। अध्यक्ष का पद तो चुनाव होगा लेकिन गिनती नहीं होगी, इससे क्या जोश में कुछ अंतर आएगा? लोगों के कोई अंतर नहीं अभी आया है। जी सर, उसने आज उसका चुनाव उसकी गणना सर 26 तारीख को होने वाली है। 26 को गणना होने वाली है, जैसा पहले मैं बता चुका हूँ। चार नंबर कनिष्ठ में 4 नंबर, चार नंबर। अभी मतदान आपका हो चुका है, मतदान के विषय में दो शब्द, आज जो अधिवक्ता मतदान में चूक रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि यहाँ के चुनाव प्रशासन को ये चाहिए कि सबका सीओपी सही कराए। सीओपी क्या चीज है? सीओपी जो इलाहाबाद से मिल रहा है सीओपी नंबर, उसी के आधार पे ये लोग मतदान करवा रहे हैं। यहाँ जो मतदाता 10 साल से अपना मतदान कर रहा है उसको लाख में ले जाकर सीओपी नंबर के आधार पे छाट दे रहे हैं। सर्टिफिकेट वो है जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या नाम है अपना? नित्यानंद मिश्रा। और आप भैया? अमित कुमार पांडे। सीओपी का फुल फॉर्म बताएंगे? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है उसका, क्योंकि हम लोग मीडिया से उसका हम जानते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एग्जाम कराता है, एग्जाम जो पास होता है उसे आधार पे वो देता है। प्रैक्टिस के आधार पर सीओपी दिया थे क्या? नहीं नहीं, आप पहले बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद ऑल इंडिया का जो एग्जाम होता है वो अगर जो पास हो जाता है उसके बाद ऑल इंडिया सीओपी देता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट। क्योंकि जो जो सर्टिफिकेट आपको बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से मिलता है वो सिर्फ 2 साल के लिए मान्य होता है। तो कहीं ना कहीं लगातार सीओपी का मुद्दा यहाँ छाया हुआ है कि सीओपी होना जरूरी है। आप अधिवक्ता हैं ठीक है, लेकिन अगर आप सीओपी में हैं तो वो सबसे बड़ा एक यहाँ पे कारण बन रहा है चुनाव की प्रक्रिया को धीमी करने के लिए। धन्यवाद। गोरखपुर समाचार के लिए मैं कैमरामैन के साथ लगातार लाइव कवरेज दे रहा था आपको।